Hello, children. How are you? I hope you all are doing well and studying well. So, children, I hope you are practicing grammar exercises also because they are equally important. So, in your day to day life, try to speak as much as you can in English, read a lot of English books, and practice writing skills also. So, children, time is very important in life. So, let's think about how. Can we utilize our time in the right manner? Okay, let's read this chapter. The name of the chapter is Time is Money. What is this prologue saying? Okay, it says time and tide wait for none. Time once gone is gone forever. Time gives only one chance. And one has to put all efforts and intelligence to make the best of it. So we should not waste even a single minute.

Because if the time has gone, it will never come back and it is all wasted if you've not used it properly. Correct? Okay. So bhi hame time chance deta. Okay, to do something. You grab that opportunity and you do the things at the right time. Okay. Now let's see what this chapter has to tell us. Okay. Warm-up. How do you think that time is very important for a student to manage his or her life and routine well? थिंक एंड आंसर ओके सो बच्चों क्या होता है कि अगर हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं ढंग से सो वी आर एबल टू डू एवरी थिंग ओके वॉट एवर अचीवमेंट्स वी वॉन्ट इन लाइफ वी आर एबल टू गेन दैम ऑल ओके क्या होता है अगर हम अपना टाइम टेबल बनाते जैसे स्कूल में भी आप टाइम टेबल बनाते हैं राइट टीचर्स टाइम टेबल बनाते हैं वैसे ही घर पर भी जब हम टाइम टेबल बनाते हैं हमारा वी नो वैन वी हैव टू स्टडी

उसके बारे में सोचो ओके okay, और आप अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे उसके बारे में सोच के आप लिखो और अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ शेयर करो ओके नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर एंड सीक सम गुड लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर ओके देखते क्या हुआ है लेट्स रीड द रेनी सीजन हैड एंडेड द वेदर वॉज प्लेसेंड द सन वॉज ब्राइट बट सूदिंग द कूल the fields were lush green and the flowers were on the bloom so bachcho barish ke baad ki everything is so beautiful around you everything is so pleasant the weather is pleasant okay then the uh, there is greenery everywhere okay and the flowers are also blooming so everyone seemed happy everyone seemed busy too for they were all making arrangements to remain happy when winter came the ants were busy storing food in their ant holes. The bees were collecting nectar from the flowers. They wanted to have enough honey before winter. The rabbits were digging their burrows deeper to fight the chilly cold. So but hai? It, it is the winter season. सो विंटर्स में क्या होता है फॉर दीज एनिमल्स ओके यू मस्ट बी नोइंग दैट मोस्ट ऑफ दीज इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल वी डोंट सी देम अ लॉट ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज दे आर हाइडिंग ओके इन दया ओन हाउसेस और इन दया होल्स ओके टू इन ऑर्डर टू अवॉइड द विंटर चिल्स ओके बट ये लोग क्या करते हैं वो विंटर्स आने से पहले वो अपने खाने का इंतज़ाम करते हैं अपने रहने का इंतज़ाम करते सो दैट दे आर कंफर्टेबल ड्यूरिंग विंटर सीजन और वो एन्जॉय कर पाते हैं ओके सो द गीज व प्रिपेयरिंग टू फ्लाई ऑफ टू वॉर्मर लैंड्स द माईज व गैदरिंग द आर शेयर ऑफ फूड द डियर व ग्रोइंग थिक फर एंड अप ऑन द स्नोई माउंटन्स द वीजल्स व चेंजिंग द कलर फ्रॉम ब्राउन टू वाइट सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दैट द एंडस ओके एंड्स क्या करते हैं आपने देखा होगा एंड्स आर ऑलवेज बिजी कलेक्टिंग फूड ओके देन दो जो हनी बीज होते हैं वो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करते हैं रैबिट्स बरोज बनाते हैं काफ़ी अंदर तक नीचे तक ताकि विंटर की चिल्स उनको लगे ना ओके okay? फिर गीज जो होते हैं आपने देखा होगा कि द बर्ड्स ओके दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ ओके वेन देर इज हार्श वेदर कंडीशंस So they fly from that place where it's going to be cold to a warmer place. Okay, जो mice होते चूहे होते okay? They also start gathering their food. डियर जो होते हैं उनका जो फर होता है वो थिक होने लगता है दे स्टार्ट ग्रोइंग दैर फर ओके और स्नोईन माउंटेन्स पे वीजल्स जो होते हैं ओके उनके कलर्स चेंज हो जाते हैं फ्रॉम ब्राउन टू वाइट ओके एंड ग्राइंड मा वो वॉज नीटिंग द और जो ग्रैंड मा होती है अब देखोगे वो स्वेटर बुनना शुरू कर देती है फ्रेंड स्टार्ट स्टोरिंग फूड विंटर इज गोइंग टू बी लॉन्ग दिस टाइम क्रो द स्क् जो होती है वो क्रो को अपने दोस्त क्रो से कहते हैं कि चलो दोस्त हम भी खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते ओके okay? मैंने सुना है कि इस बार जो विंटर्स होने वाले वो काफी लंबे चलने वाले वाई वार नाउ माई डियर स्क्वेरल दिस इज द टाइम टू एंजॉय रिप्लाई द क्रो Let's enjoy this time, okay? The weather is fine. The gentle wind blows. Enjoy the warmth as the golden sun glows. I relish the soft bread and have cool water to drink. When winter comes, I will manage it in a wink. तो क्रो जो है वो पोइटिकली उसको समझा देता है कि वेदर इतना सुहाना है ओके okay? देखो कितने अच्छी सी हवा बह रही है जेंटल विंड इज़ ब्लोइंग ओके लेट्स एन्जॉय दिस वॉर्म ये थोड़ी सी जो गर्मी है उसको एन्जॉय करते हैं अंडर द गोल्डन सन ओके और फिर जो ब्रेड है मेरे पास लेट मी एन्जॉय दैट ब्रेड लेट मी रेलिश दैट ब्रेड ओके और कुछ ठंडा पानी पीने देंट जब विंटर आएगी तो मैं ऐसे चुटकी में मैनेज कर लूँगा The squirrel, however, was not too convinced. She knew very well that once winter sets in, it would not be easy to find the nuts, and her favorite berries will not grow. I must collect enough food now. I can enjoy once I have enough in store, thought the squirrel, and got busy with her work. तो स्क्विरल थोड़ी कन्विंस्ड नहीं थी इस बात से उसको पता था कि एक बार विंटर आ जाएगा तो उसको उसके जो फेवरेट नट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे जो बेरीज उसको अच्छी लगती है वो ग्रो नहीं करेगी तो कहती है कि पहले मैं अपना जो खाना है वो सब इकट्ठा कर लेती हूँ स्टोर कर लेती हूँ उसके बाद मैं इंजॉय कर लूँगी ओके मीन वाइल द क्रोस स्पेंट हिज डे फर्च ऑन ग्रीन ट्रीज ही इन्जॉय द जेंटल ट्रीज एंड प्लेट इन द फील्ड्स बट क्रो बिजी था इंजॉय करने में ओके पेड़ पे बैठ के इन्जॉय कर रहा था जो जेंटल ब्रीज थी उसको एन्जॉय कर रहा था फील्ड्स में इंजॉय कर रहा था ही कॉल्ड लाउडली एज इफ ही वॉज सिंगिंग द स्वीटेस्ट मेलेडी हे फ्रेंड कॉल्ड आउट द माउस मेक श्योर यू हैव इनाफ टू ईट द विंटर इज गोइंग टू बी लॉन्ग दिस टाइम ओके वाई वरी नाउ डियर माउस देर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड कम लेट्स प्ले इन द फील्ड दिस इज द टाइम टू एन्जॉय रिप्लाई द क्रो सो ये क्रो जब इन्जॉय कर रहा था उस जोर जोर से गाना गाता है ऐसे उसको लगता था बट ही वॉज लाइक क्विंगली लाउड ओके और तभी वहाँ से अचानक से एक माउस आता है उसको कहते हैं दोस्त खाना इकट्ठा किया है कि नहीं मैंने सुना है कि दिस टाइम द विंटर इज गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग टाइम सो क्रो गिवस हिम द सेम रिप्लाई he says why do you want to worry now jab winters aayenge, lenge. ho jayega manage okay ab to time hai enjoy karne ka. come enjoy this greenery come let's play the mouse did not agree he knew that it was important to work then but what will you do when winter sets in asked the mouse तो माउस वॉज नॉट अग्री विद द क्रो उसको लगा कि ये जो क्रो कर रहा है वो सही नहीं है आ उसको भी लगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट आई वर्क नाव ओके बट उसने फिर से क्रो को पूछा कि जब विंटर्स आएंगे तुम क्या करोगे ओके तो क्रो जवाब देता है उसको ओके द वेदर इज फाइन द जेंटल विंड ग्लोव एंजॉय द वॉर्म एज द गोल्डन सन ग्लोव I relish the soft bread and have cool water to drink. When winter comes, I will manage it in a wink. So, वो poetically वही जवाब देता है जो उसने squirrel को दिया था. And before the mouse could say anything more, the crow flew far away. He perched on a tree near the river. The turtles were busy finding cozy muddy puddles. तो माउस uh, कुछ कहने से पहले ही वो वहाँ से फिर उड़ जाता है के okay, और एक रिवर के पास पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि टर्टल्स जो है मडी पर्डल्स बनाने में काफ़ी बिजी है वाई इज एवरीबडी सो वरीड अबाउट द विंटर्स दे आर टू गुड मंथ्स फॉर विंटर टू सेट इन वाई कॉन्ट बी एन्जॉय नाउ एंड वर्क लेटर ही वांडर्ड सो वो वो उनको देख के वो सोचता है कि सब लोग इतना विंटर्स को लेकर चिंता में क्यों है वाई आर दे वरीड वाई कॉन्ट दे जस्ट एंजॉय अभी इन्जॉय क्यों नहीं कर रहे ओके अभी तो विंटर्स के लिए दो महीने पड़े हैं तो उसको लगता है कि इनको सबको हमारे साथ एंजॉय करना चाहिए ओके फिर वो कहते हैं टर्टल्स हेलो मिस्टर क्रो कॉल्ड आउट द टर्टल्स यू सीम टू बी ऑल सेट फॉर द विंटर्स अह नॉट अगेन द क्रो वॉज क्वाइट इरिटेटेड बाय नाउ बट ही मैनेज स्कूल एंड रिप्लाइड विद अ स्माइल डोंट वरी मिस्टर टर्टल द वेदर इज फाइन द जेंटल विंड ब्लव Enjoy the warmth as the golden sun glows. I relish the soft bread and have cool water to drink. When winter comes, I will manage it in a wink. Though जो टर्टल्स होते हैं वो क्रो को देख के पूछते कि अच्छा तुम तो इन्जॉय कर रहे हो तुम्हारी तैयारी हो गई विंटर्स की आर यू ऑल सेट फॉर द विंटर्स तो क्रो को थोड़ा गुस्सा आता है थोड़ा इरिटेट हो जाता है बट फिर भी वो काम ली अपना कूल cool मेंटेन करके फिर से वही पोएम बोलता है जो उसने माउस के लिए और स्क्वेरल के लिए कही थी Okay, now children, let's track your performance through this My Performance Tracker. Quickly answer the questions so that we know how much you followed the chapter. Okay, now let's move ahead with the story. Days changed into weeks, and weeks changed into months. The crow did not bother to find a shelter or collect food for the winter. Slowly, the gentle breeze changed to cold winds.

Okay. the sun was not bright Okay, and it was not at all warm anymore so usko achanahilaghrata comfortable nihilaghrata bahar okay. so crow was not happy anymore. Ab wo khush nahi tha. grandma had finished her knitting and the turtles hid under the mud the deer had thick furs and the geese had flown away the squirrels and mice preferred to stay in their holes. सडनली देर वॉज नो वन अराउंड सो जब विंटर्स होते आप देखोगे ज़्यादा करके लोग अपने घरों में रहना पसंद करते सो इट्स द सेम थिंग विद द एनिमल्स ऑल्सो जैसे ग्रैंड मा ने अपना निटिंग का काम तो फिनिश कर दिया था ओके टर्टल्स ने जो मडी पर्टल्स बनाए थे उसके अंदर वो छुप गए ओके डियर के थिक फर ग्रो हो गए ओके और गीज दूसरी जगह पर उड़ के पहुंच गए स्क्वेरल्स और माइस अपने अपने होल में छुप गए ओके और क्रो को रियलाइज हुआ कि आस पास अभी कोई भी नहीं है द ट्रीज वर नॉट एज ग्रीन एंड द ग्रास रिमेन वेट द क्रो वॉन्ट य एंड दे इन सर्च ऑफ फूड बट ऑल द इंसेक्ट्स वर इन द हाइडिंग देर नॉट मैनी फ्रूट्स टू ईट द क्रो वॉज कोल्ड एंड हंगरी फिर क्रो ने देखा कि जो ट्रीज थे ओके okay, जो पहले सूखे थे आप गीले हैं द ग्रास इज ऑल्सो वेट ओके द ट्रीज़ आर नॉट एट ऑल ग्रीन एनी मो ओके और फिर वो यहाँ वहाँ खाना ढूंढने लगा वो देखता कोई इंसेक्ट्स भी नहीं दिख रहे थे उसको क्योंकि सब ने अपने खाने का इंतजाम करके सारे छुप के बैठ गए थे ओके okay, और कोई फ्रूट्स भी नहीं होते विंटर्स में आप देखोगे पेड़ों पे फ्रूट्स ज्यादा करके नहीं लगे होते ओके द क्रो वॉज नाउ रियली कोल्ड एंड हंगरी सोन इट वॉज टाइम फॉर विंटर रेन बट द क्रो हैड नो शेल्टर शिवर्ट इन द कोल्ड नॉक नॉक the crow went to the mouse, can I get some food and space to live? I am all wet. और तभी winter rain शुरू हो गई अब crow ने अपने रहने का भी इंतजाम नहीं किया था अब वो ठंड से कांप रहा था और फिर वो पहुंच जाता है माउस के यहाँ पे माउस के घर और नॉक करके पूछता है कि क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है और जगह मिल सकती है रहने के लिए मैं पूरी तरह से गीला हूँ oh मिस्टर क्रो वेल आई हैव नो इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग someone who हु his इस टाइम didn't you यू मैनेज द कोल्ड इन अ विंक रिप्लाई mouse माउस अब माउस जो होता है उसको साकेस्ट बोलता है कि अरे मुझे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि जिसने अपना टाइम वेस्ट किया है उसको अपने घर में लेने के लिए ओके आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प दैट पर्सन तो तुम अपने आप क्यों नहीं मैनेज कर देते तुम ही तो कह रहे थे कि मैं इसे चुटकी में मैनेज कर लूँगा सो यू मैनेज ऑन योर ओन देन नॉक नॉक द क्रो वेंट टू द स्क्रल अब वो स्क्विरल के घर पहुँच जाता है कैन आई गेट सम फूड एंड स्पेस टू लिव आई एम ऑल वेट द स्क्विरल कहती है आई एम सॉरी माई डियर फ्रेंड बट यू विल नॉट फिट इन माई होल सेट द स्क्विरल बाय द वे वाई डोंट यू मैनेज द कोल्ड इन अ विंग द स्क्रल ऑल्सो साकेस्ट के लिए उसको बोलते हो तुम अपने आप कैसी चुटकी में क्यों नहीं मैनेज कर लेते हो बिकॉज दैट्स वॉट यू वेइंग ओके okay? क्योंकि तुम मेरे होल में तो फिट नहीं होंगे तो मैं तुम्हें, तुम्हें अंदर नहीं ले सकती आई विश आई कुड हैव बीन हेल्प टू यू सेट द थर्टल इन अ स्लीपी वॉइस बट आई स्लीप थ्रू आउट द विंटर्स एंड डोंट ईट सो आई हैव नो फूड एंड यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ इन द वेट मर्ड ओके सो जो टर्टल होते हैं वो कहते हैं कि काश हम तुम्हें हेल्प कर पाते पर हम तो पूरे विंटर्स में सोते ही रहते हैं ओके तो सॉरी आई नॉट हेल्प यू वी नॉट हेल्प यू ओके बिकॉज हम तो वैसे ही मड में रहते हैं और तुम मड में ब्रीथ नहीं कर पाओगे ओके द पोक्रो गॉट नो शेल्टर नो फूड ओके ही नेवर गॉट एनी शेल्टर ऑफ फूड ओके ही सम हाउ मैनेज टू सर्वाइव इन द बिटर कोल्ड एंड चिली विंड्स बट ही हैड लर्न हिज लेसन टू वर्क इन टाइम अब बेचारा जो क्रो था ओके उसको ना खाना मिला ना रहने के लिए जगह मिली ओके एंड ही सम हाउ मैनेज टू सर्वाइव इन द बिटर कोल्ड एंड चिली विंड्स बट उसने क्या उसको उसके साथ क्या हुआ ही लर्न अ लेसन ओके दैट ही शुड यूज हिज टाइम इन अ बेटर मैनर सो दैट ही डज नॉट हैव टू फेस सच अ सिचुएशन सो so, बच्चों हमारे लाइफ में भी जब हम चीज़ें टाइम पे करते हैं जब हम अपना काम टाइम पे करते हैं तो हमें दूसरों से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब हम दूसरों से मदद मांगते हैं मोस्ट ऑफ देम नो दैट व्हेन इट वाज अ टाइम टू डू दैट वर्क वी डिड नॉट डू इट वी वेस्टेड आर टाइम एंड देन यू विल नॉट हैव एनी टू हेल्प यू सो चिल्ड्रेन ऑलवेज यूज अ टाइम वेल स्टडी on time eat on time play on time to everything on time so that you become a very good human being at the same time people will love you they will respect you and they will always help you at the right time when you ask for help okay so now children i hope this chapter has also taught you